हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर एडवाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड की नई वेबसाइट के बारे में, जिसमें सभी लेबर कार्ड धारक, चाहे उनका बन गया हो लेबर कार्ड या फिर उन्होंने अप्लाई कर रखा हो, पेंडिंग में हो या फिर बना हुआ और उन्हें रिन्यू करवाना हो, तो नई वेबसाइट पर माइग्रेट करवाना होगा, यानी कि उनका सारा डाटा जो है नई वेबसाइट में ट्रांसफर करना होगा। तो किस तरीके से नई वेबसाइट में माइग्रेशन होगा, यानी कि माइग्रेशन का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव एक प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप अपना लेबर कार्ड का डेटा नई वेबसाइट पे ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो गाइस, चलिए लाइव मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको लेबर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं dbocwwb.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पर आती दोस्तों आपके सामने सारे ऑप्शन है जो कि अलग अलग यूज़ के लिए, हमें जो है अभी पुराने लेबर कार्ड को नई वेबसाइट पे करने के लिए हमें माइग्रेशन वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है गाइज, आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर आपका लेबर कार्ड का नंबर है, दोनों में से कोई सा भी डालकर आपको चेक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक पे क्लिक कर देते हैं गाइज, यहाँ पर जो है पंजीकृत मोबाइल नंबर दिखेगा, आपको कर देना है हाँ। हाँ करने के बाद गाइज, यहाँ पर जो है आपको कुछ डिटेल डाल देनी है, जैसे कि आधार संख्या, आधार कार्ड का पर नाम सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर खुलेगा उससे सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देना है। और पासवर्ड का सैंपल मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से स्मॉल कैपिटल और एक स्पेशल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बाकी नीचे भी दे रखा है एक ऑप्शन @password123, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लिंक में आपका मेल फीमेल यानी कि पुरुष महिला जो भी है वो सेलेक्ट करके पंजीकरण करवाने वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो नंबर दिखाया गया है लास्ट का यहाँ पर 24, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, तो वो उस पर OTP आ जाएगा, उस OTP को देख के यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपको कर देना है पुष्टि करें। पुष्टि करते ही गाइज यहाँ पर आपका वेरीफाई हो चुका है, माइग्रेशन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, प्लीज चेक आफ्टर 24 आवर कम्प्लीशन। तो अब जो है आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, 24 घंटे बाद आप इसे नई वाली वेबसाइट पर लॉगिन करके रिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज, दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो गाइज वीडियो कर दो लाइक और शेयर और चैनल को कर दो फटाफट सब्सक्राइब। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।